नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे चैनल में। आज की वीडियो है कलांचो फ्लावरिंग प्लांट के बारे में डिस्कस करेंगे, इसका केयर कैसे करें, क्या टिप्स फॉलो करें। तो ये मल्टी ब्रांचेस और हेवी फ्लावरिंग हो, बहुत खूबसूरत लगे और प्लांट हेल्दी बना रहे। प्लांट हेल्दी बना रहेगा तो फ्लावरिंग अधिक करेगा फ्रेंड्स। तो वही वीडियो आपको शेयर कर रहे हैं। हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट करके बताइएगा, चैनल में नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एक कलांचो फ्लावरिंग प्लांट कम केयर में चलने वाला एक सर्कुलेंट वैरायटी का फ्लावरिंग प्लांट है। ये कटिंग से ना आसानी से ग्रो हो सकता है। छोटा सा कटिंग ले आओ तो उसको पिंचिंग कर करके हम कई एक से सैकड़ों प्लांट बना सकते हैं फ्रेंड्स। और ये बहुत खूबसूरत लगता है। साल में एक बार इसको रिपोर्टिंग कर देते हैं, मदर प्लांट को हटा के जो कटिंग से लगाए रहते हैं उसी प्लांट को लगा देते हैं। तो ये बहुत ही हेल्दी और मल्टी ब्रांचेस होता है, फ्लावरिंग भी अधिक करता है। हाँ, छोटा पट है, 8-10 इंच का प्लांट में एक ही प्लांट लगा लीजिए। बड़ा पट है और बुनसई आकार का पट में भी ना ये आसानी से हो जाता है, उसमें दो लगा सकते हैं। और ज़्यादा लगाने से भी ना ब्रांचेस उसका लंबे लंबे हो जाता है, फ्लावरिंग कम होता है फ्रेंड्स। ये दो वेराइटी का आता है, एक हाइब्रिड वेराइटी का, एक देसी वेराइटी का। देसी वेराइटी में देखिए बहुत ही फ्लावरिंग होता है, एकदम हेवी फ्लावरिंग होता है। उसमें भी साइज उसका फ्लावरिंग फ्लावर का साइज बड़ा होता है हाइब्रिड में। और ये देसी वेराइटी में देखिए एकदम बंचेस में खिलता है, इसका भी बहुत खूबसूरत लगता है फ्रेंड्स। इसका सनलाइट की बात करें तो इसको ना फुल सनलाइट में रखना पड़ता है। ये विंटर का फ्लावरिंग प्लांट है। और देखिए एक तो हम एक ही प्लांट लगाए हैं, इसको ना थोड़ा पिंचिंग करते गए हैं तो कई प्लांट इसमें ना कम से कम 15-20 बंचेस निकल के ये बहुत ही फ्लावरिंग करता है। और कंपोस्ट की बात करें तो इसमें किचन वेस्ट, बर्मी गोबर कंपोस्ट, जो भी अपना लीफ कंपोस्ट जब रिपोर्टिंग करते टाइम सितंबर में इसको डाल सकते हैं। और हाँ, महीना में एक बार एनपीके 19-19 डीएपी के कुछ दाने डाल देंगे। और डालने की इसको ज़रूरत नहीं है, डीएपी के दाने अगर भी हाँ एक बार डाल देंगे तो ग्रोथ अच्छा होता है। और फ्लावरिंग के टाइम केला का छिलका का फर्टिलाइजर और कुछ भी नहीं डालते हैं तब भी फ्लावरिंग करता है, सीजन आता है। तो ये ऐसी फ्लावरिंग प्लांट है, ये सर्कुलेंट वैरायटी का है। और विंटर में जब ओस गिरता रहता है विंटर भर बहुत फ्लावरिंग करता है फ्रेंड्स। अभी मार्च तक ये खूबसूरती बना रहेगा। हाँ, तहाँ इसका जो फ्लावर है गिरेगा नहीं, उसी में ना स्पेंड हो जाता है, सूख जाता है। इसको तो कटिंग करके फिर हम अगले सीजन के लिए सेव करके रख सकते हैं फ्रेंड्स। और लिक्विड फर्टिलाइजर महीना में होम मेड डालते रहिए, कुछ भी प्लांट में केमिकल वाला कम ही डालते हैं हम। जब सब प्लांट में एनपीके 19-19 से कुछ कुछ पोटास अगर आता है तो इसी में भी हम डाल देते हैं, लेकिन इस प्लांट में कम ही डालते हैं फर्टिलाइजर। ये अपने सीजन आता है तो अपने से खिलता है फ्रेंड्स। और आप भी ना ये अपने गार्डन में जरूर ऐड कीजिएगा, बहुत ही खूबसूरत लगता है फ्रेंड्स। एक बार आप कहीं से ले आओ, नर्सरी से या किसी से ले के, तो ये सालों साल बना रहता है फ्रेंड्स। या बहुत ही खूबसूरत लगता है। हमारे पास ना 3 साल पहले था नहीं ये प्लांट, तो हम एक 3 इंच का कटिंग लाए थे, तो हाँ इस साल हम ना 8-10 पार्ट में बना लिए हैं फ्रेंड्स। अगले साल और बढ़ जाएगा, तो इतना प्लांट तैयार करेंगे आपके पार्ट भी कमी हो जाता है फ्रेंड्स। तो आप भी जरूर लगा के देखिएगा, कम केयर में चलने वाला सर्कुलेंट वैरायटी का फ्लावरिंग प्लांट और बहुत ही खूबसूरत लगता है ये। तो ये देखिएगा ये कितना बंचेस में खिला है फ्रेंड। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए टिप्स के साथ।